ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस वीडियो को आप लोग बस कंप्लीट देखना, आप सभी को पूरी एडिटिंग समझ में आ जाएगी। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में प्यार सा कमेंट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। सो गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे अभी काफी चीजें करनी है गाइस, ठीक है? तो अभी आप लोग मॉडल को लगा के सीधा डन मत कर देना, वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे मॉडल का आपको कुछ स्टेप से इतना हाइट रखना है आपके, ठीक है? आपके मॉडल का जो साइज होगा आपके बैकग्राउंड में इतना रखना है आप सभी को। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इरेज़र टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको मॉडल का आपका डुप्लीकेट कर लेना है। मॉडल का डुप्लीकेट करने के बाद आपको सेम साइज में रख देना है। एंड उस मॉडल को लेकर जाना आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। देन गाइस आपको सबसे यहाँ पे एक कुछ चीज वाले ऑप्शन में जाना है, कलर्स वाले में। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको उसका अमाउंट जीरो कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ पे कर देना मर्ज, ठीक है? मर्ज करने के बाद आपको डन कर देना है। डन कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को पहले इसको करना है फ्लिप रोटेट, ठीक है? सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। देन गाइस आपको क्या करना है, आप सभी को इसका थोड़ा सा जो आपको जो पॉइंट दिख रहा है गाइस ऊपर की तरफ जैसे नीचे ले जाने के बाद आपको जो वाला पॉइंट दिख रहा है आपको सिंपली इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है। देन गाइस आपको गाइस अपने पैरों के पास कुछ स्टेप्स इसको ले जाना है, ठीक है? एंड इसको ले जाने के बाद गाइस अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो हमारे पैरों को ऊपर आ रहा है, बट गाइस आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे जो डुप्लीकेट पहले तो ओपेसिटी कम कर लेना, ठीक है? पहले ओपेसिटी कम कर लेना। जो आपको डबल इसके ऊपर दिख रहा है डुप्लीकेट के ऊपर आपको ऑप्शन है आपको मूव डाउन वाला, आपको उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है, बैक हो जाएगा। बाकी गाइस जो भी पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा होगा उसको सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे इरेजर टूल में, ठीक है? तो इरेजर टूल से जाके हम उसको वहाँ पे इरेज कर लेंगे। तो इरेजर टूल में चलते हैं, यहाँ पे गाइस हार्डनेस वगैरह जो भी आप फुल कर लेना अपने हिसाब से। एंड उसके बाद आपको जो भी एरिया वहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है उसको आपको इरेज कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी शेडो भी एकदम मस्त तरीके से एकदम बन चुकी है। तो अभी तो हम इसको फिलहाल डन करते हैं एंड बाकी के जो पीएनजी है वो लगाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं वापस से ऐड फोटो में। सो ऐड फोटो में चलते हैं एंड ऐड फोटो से जाके हम गाइस एक पार्टिकल का पीएनजी ले लेते हैं ये वाला, ठीक है? तो इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, आप सभी को गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड पहले चेंज करना है, ठीक है? तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पर ऐसे रख देना है, ठीक है? एंड जो कुछ फेस के ऊपर एरिया आ रहा होगा तो गाइस उसको आपको सिंपली इरेजर टूल में जाकर आपको इरेज कर देना है। एंड बाकी एकदम परफेक्ट तरीके से रहने देना, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेना बस इसकी, ठीक है? थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे कर देना इसको डन। सो अब इसको अभी हम डन करते हैं एंड आगे का प्रोसेस है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो अभी इसको हम डन करते हैं। अब गाइस आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एक पीएनजी और लेना है, ठीक है? तो उसको ले लेते हैं यहाँ पे। सो इसको लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इस पीएनजी को लेने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आपको ओपेसिटी इसकी ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट डन कर सकते हो क्योंकि हम लाइट रूम ऐप में तो इसको सही कर ही लेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं ऐसे लाइट रूम ऐप में। सो ऐसे बैक चलते हैं एंड ऐसे लाइट रूम ऐप को हमने पहले से हमने फोटो ऐड कर रखी लाइट रूम में। तो आपको क्या करना है गाइस, पहले ऑटो वाला टूल लेना है। अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट अगर ठीक ना लगे लाइटिंग वगैरह तो आप इस लाइट वाला ऑप्शन में जाके आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, बट मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट हो रखी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा। तो आपको जाना इस कलर्स वाले ऑप्शन में, आप सबको सिंपली जाना मिक्स टूल में, आपको लेना है ऐसे ऑरेंज कलर। इसका ऑरेंज कलर लेने के बाद आप सबको सैचुरेशन थोड़ा कम करना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। एंड गाइस थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा जो हमारे लिप्स वगैरह है उसको भी थोड़ा रेड कर लेते हैं। तो इतना परफेक्ट है, हम यू रखते हैं इसका गाइस आगे की तरफ एंड प्लस की तरफ रखते हैं हम इसका सैचुरेशन, ठीक है? तो आप चलते हैं येलो कलर में। अब गाइस यहाँ पे जो है आप अपनी बुक का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे देख सकते हो गाइस यहाँ पे देखिए हम प्लस कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे ग्रीन हो रहा है एंड माइनस में ऑरेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे ग्रीन ही रखेंगे एंड उसका डार्क ब्लू में जाएंगे हम चाहें तो। आप गाइस चाहो तो यहाँ पे डार्क ब्लू भी रख सकते हो अपने स्काई को, या फिर आप डार्क ब्लू या स्काई ब्लू भी रख सकते हो, ठीक है? तो आपके ऊपर है बाकी। तो यहाँ पे डन करते हैं एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है गाइस यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको उसकी फोटो की क्लियरिटी बढ़ाना है, ठीक है? हल्की सी एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने हिसाब से। आप मतलब कि किसी को विग्नेट चाहिए होता है, किसी भाई को नहीं चाहिए होता है, तो आप अपने हिसाब से विग्नेट डाल लेना। एंड उसके बाद आपको अभी मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना थोड़ा सा एंड जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज कर देना, इससे क्या होता है कि गाइस फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस वो बढ़ती है एंड जो गाइस फोटो है हमारी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जो नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन यानी कि जो भी कलर का नॉइज होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। फिर गाइस आपको जाना है सिलेक्टिव टूल में, ठीक है? सबसे ऊपर आपको सिलेक्टिव टूल मिल जाएगा। देन गाइस आपको प्लस पर क्लिक करके आपका थर्ड वाला ऑप्शन लेना है एंड गाइस उसके बाद आपको नीचे से कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ करके लाना है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी को इसका थोड़ा सा एक्सपोजर आप चाहते हो, सॉरी पहले के आज वालों क्लियरिटी को बढ़ाते हैं पहले इसकी, फिर मैं बताता हूँ आपको इसमें एक्सपोजर कितना बढ़ाना है, ठीक है? तो वहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्सचर भी बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जाएंगे ऐसे हम लाइट वाले ऑप्शन में। सो लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सबको फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो एक्सपोजर बढ़ा देना है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा हो गया तो हम थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है?
अब गाइज देखिए हमारी फोटोज एकदम अच्छे से एकदम परफेक्ट एडिट हो चुकी है गाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अगर वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।